परमात्मा सावन कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है, जिन्हां ने सानू अपना जश करन दा मौका दिता है। गुरु नानक ने कहा कि औखां कढ देनियां चाहीदियां हन जिहड़ियां गुरु दे दर्शन तो बगैर होर पासे बुरी निगर नाल जागदियां हन। ओह कन्न बंद कर देने चाहीदे हन जेड़े गुरु दे शब्द नू जो कण कण दे विच व्यापक है, जो धुन सचखंड तो उठ रही है, उस नू सुणदे नहीं। वो जवान तिल तिल करके कट देनी चाहीदी है कि जेड़ी गुरु दा जश गाउंदी नहीं। सो जिन्हां ने गुरु दा जश गाया है उन्हां नूं पता है कि गुरु ने किड्डी भारी कृपा कीती सानूं आप दी भगती विच जश करन दे विच इह मौका दिता है। मैं दो दिन महात्मा चरणदास दी बाणी ते सत्संग करदा रहा है। अज स्वामी जी महाराज दी बाणी है। वैसे हर संतां दे नाल वाकियात पेश आउंदे है, क्योंकि जितने भी यह धर्म ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र हैं, ये सब संता महात्मा का रूहानी रिकॉर्ड हुंदा है। जो जो कुछ उन्होंने दुनिया विचो पेश आता है या अंदर जाके रुकावटा पेश आउंदियां हैं, वो उन्होंने अपना रूहानी सफर तय करने वाला जो रुकावटा हैं सब का जिक्र है, जिस दी मदद दे नालों रुकावटां दूर कीतियां हन, उन्हां दा जिक्र है। वो सतगुरु है जिहदा वो शुकराना करदे रजदे नहीं गे। इह शब्द विच स्वामी जी महाराज उन्हां चीज़ां दा जिक्र करदे है जिन्हां तो असीं डरदे मारे लोग भगती छड जांदे हैं, दुनिया नूं वड्डा समझदे हैं, परमात्मा नूं छोटा समझदे हैं। संत कहिंदे आ ना दुनिया ने साथ जाना है, ना दुनिया दे समान ने साथ जाना है। प्यारिओ, साथ जाण वाला नाम गुरु ओ परमात्मा है। हुण उहनूं असीं वड्डा नहीं समझदे, दुनिया नूं वड्डी समझदे हैं। इस वास्ते असीं उहदी भगती दी तरफ साडा ख्याल नहीं आउंदा गा। सो स्वामी जी महाराज इह शब्द दे अंदर बड़े प्यार नाल दसदे है कि भगती क्यों जरूरी है, असी किन्ना कारना करके भगती नूं छड जाने हैं। और जेड़े भगती नूं नहीं छड़दे गए, जिन्हां नूं रस आ जांदा है, वो किस तरह दलेर हो जांदे है, निडर हो जांदे है, वो परमात्मा नूं जाके किस तरह मिल जांदे है। जी महात्म भगती शब्द दूसरा तार बचन पन्ना 104। जागत पाव पैल जा छोड़ो सुन प्यारे तू कर भगती। जागत पाव पैल जा छोड़ो सुन प्यारे तू कर भगती। सानू पता ही है कि जद असी बीमार हुंदे हैं किसे डॉक्टर दे पास जाने हैं, उत्थों दवाई लैण वास्ते असी कदे ये नहीं सोचिया कि हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या किसे बाहरले मुल्क दे रहण वाला है। सानू सिर्फ अपनी बीमारी नूं दूर करन दा ही फिक्र हुंदा है। असी किन्नी शरदा और प्यार नाल उस तो दवाई लैने हैं। असी कदे किसे दा डर नहीं रखदे गे कि सानू होर कौम वाले या साडी कौम वाले किते बुरा भला ना कहण, क्योंकि सानू सेहत नाल प्यार हुंदा है। इसे तरह संत महात्मा सानू दसदे है कि गुरु की भगती करने वास्ते भी सानू ना तो किसी कौम का ना मजहब का ना होर काहे का, जिन्ना चिकर असी डर दूर नहीं करते गए उन्ना चिकर असी गुरु की भगती विच कदे भी कामयाब नहीं हो सकते गे। तो स्वामी जी महाराज कहिंदे है गुरु की भगती करने वास्ते
दिल विच भय नहीं होना चाहिदा, लोक लाज नहीं होनी चाहिदी, क्योंकि लोक लाज तो डरदे हुए असी लोक परमात्मा दी भगती करनों हट जाने हैं जी। जागत पाव पैल जा छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भगती, जात बरन पैल जा त्यागो, सुन प्यारे तू कर भगती। कबीर साहब ने भी कहा है कि जात न पुछो साध दी, पुछ लीजिए ज्ञान, मुल करो तलवार दा, पढ़िया रहन दो म्यान। ये जो शरीर है ये एक म्यान है, जो शब्द है नाम है ज्ञान है, कहन लगे तुसी उस नु ग्रहण करन वास्ते इस म्यान दी तरफ ये ना देखो कि ये किस जाति दा है, ये नीवी जाति दा है या उच्ची जाति दा है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे कि असी किसे महात्मा दे नाल कोई खाना नहीं खाना, कोई रिश्ता नाता नहीं करना, साडा तअलक तां उहदे नाल रूहानीयत दा है, शब्द नाम दा नाता है। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है कि प्यारिया ये भी तू कौमां मजहबां दा ख्याल छड के परमात्मा दी भगती कर। जात बरन पैल जा त्यागो, सुन प्यारे तू कर भगती, सतर मित्र डर दूर हटाओ, सुन प्यारे तू कर भगती। आप प्यार ना कहंदे है क्योंकि जेड़े तो साडे मुखालफत हुंदे है वो तो सानू ताना मार के कह देंदे है कि देख बई जिवें बुले शाह सजिद जाति दे विच होया, मुहम्मद दी कुल विच होया सी, जेड़ा उहदा मुर्शिद सी वह उराई जाति दे विच सी। मुसलमाना दे अंदर मुहम्मद दी कुल वालिया नू उच्चा समझदे है, सजदा नू उराइयां नू छोटी जाति आला समझदे है। तो उहदे नाल उहदे भैण भरा यार दोस्त जितने भी सन वह सारे नाराज सन कि इसने सजता दी कुल नू दाग ला दिता है, ये राइयां दी तरफ क्यों जांदा है। सानू पता है जिसनू रस आ जांदा है वो लोक लाज दी परवाह नहीं करदा, करे तां वी करे क्यों। जदों लोकां ने उहनां दी निंदिया करनी शुरू करी तो बुल्ले शाह होर भी नताड़क हो गया कि अच्छी तरह ये निंदिया कर लैण। उन्होंने खोतियां रखनिया शुरू कर दतिया, फिर तो सानू पता ही है कि एक सजता का लड़का खोतियां रखे, जिन्हें नहीं निंदा करनी सी वह भी लग गया करन। हौली हौली उसने गाना बजाना सीख के सीख लिया। उत्थे एक पठान किसी गरीब की लड़की लै गया सी, उहनू किसी ने बड़ा न्या ना मिलिया। किसी ने दसिया कि जेड़ा बुल्ले शाह साध है वो काफी अच्छा है, शायद वो तेरी एदे विच मदद कर सके। जदों वो ओदे पास गया वो कहन लग्या कि वो किथे रहिंदी है, वो कहन लग्या जी वो फलानी गली है और वो अंबा वाला बगीचा है जिथे वो रहिंदा है। बुल्ले शाह ने जदों वो गा रहा सीगा तपला वगैरा उस वेले उसने बोलिया कि खजी वाला बाग सुनी दा, तो कह लग्या खोतियां वाला साध बुलावे सुती है ता जाग, चीना इंज छड़ी दा यार। जो भर के तवजो दिती क्योंकि साधु दी तवजो हुंदी है, वो इंतहा खिची आई तो उन्हू कहिंदा लै बई ये तू लै जा। किसी ने जाके उहदे पिता नूं दस्या कि देख उह सजदां दी किड्डी उच्ची जाति है, उहनूं लाज लाउंदा है, पहलां खोतियां रखियां, हुण उह नच्चण वालां दे साथ रलिया होया है। और उसनूं सुण के बड़ा दुख होया, उसने
ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਲਈ, ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਪੇਂਦਿਆਂ ਖੁੱਤ ਨਾ ਸੱਖਾ ਵਾਲ, ਚੀਣਾ ਇੰਜ ਛੜੀਦਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੌਲਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਦ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਰੋ, ਚੀਣਾ ਇੰਜ ਛੜੀਦਾ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਤਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡ ਜੀ। ਛਤਰ ਮਿੱਤਰ ਡਰ ਦੂਰ ਹਟਾਓ, ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਡਰ ਛੋੜ ਗਵਾਓ, ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਥ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਡਰ ਛੋੜ ਗਵਾਓ, ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਜੋਰੂ ਲੜਕੇ ਮਤ ਡਰ ਇਨਸੇ, ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡ ਜੀ। ਜੋਰੂ ਲੜਕੇ ਮਤ ਡਰ ਇਨਸੇ, ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਪਾਈ ਪਤੀ ਜੋ ਕਾ ਡਰ ਮਤ ਕਰ, ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਵਾਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ,
जदों इस तरह का होया फिर देखांगे, पहला तू आपदे दिमाग का इलाज करा। दिमाग तो इन लोगों का खुद खराब होंदा है, जिस परमात्मा ने पैदा किया है उसकी भगती नहीं करते, वो भगतों नूं कहिंदे इन दा दिमाग खराब है। इसे तरह गुरु नानक देव जी महाराज दे माता पिता भूत प्रेत ही उन्हां नूं चिंबड़िया समझदे सीगे, उन्हां दा इलाज ही कराउंदे फिरे। बल्कि आप दी कलम नाल खुद गुरु नानक लिखदे है, कोई आखे भूत ना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कोई कहिंदा सी इस नूं भूत दा छाया है, कोई कहिंदा सी माता पिता दा इलाज नहीं कराउंदे गे, वह नानक फिरदा है, पटवारी कालू दा पुत्र है, इहदी कोई देखभाल नहीं करदा गा। सो इस वास्ते प्यारियो सारिआं दे नाल ही ऐसा हुंदा आया है। फिर उन्हां दी खातर वैद लिआंदा। गुरु नानक कहिंदे वैद बुलाया वैद गी पगड़ टंडोले बां, भोला वैद न जानी करक कलेजे मां। जिहड़ी इन्हां हस्तियां नूं मालक दे प्यारिआं नूं रोग है, वैद नूं की पता है, उह तां आ के नाभी टोलदा है। हुण कालजे च दर्द है, दिल दे विच दर्द है, अख च दवाई पावांगे उहदा की इलाज होएगा बई। पाई पति जो का डर मत कर, सुन प्यारे तू कर भगती, सास ससुर डर मन से छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भगती, बहु जमाई इनका डर तज, सुन प्यारे तू कर भगती। हुण स्वामी जी महाराज दे भगती करने वास्ते किसी का डर नहीं होना चाहिए, चाहे सस है, चाहे सहुरा है, चाहे बहू है, चाहे जवाई है, क्योंकि परमात्मा वड्डा है और ये दुनिया इत्थे रह जानी है। सानू पता है, इतिहास दसदा है, गुरु नानक साहब की जन्म साखी नूं पढ़ के तसल्ली कर सकते हो कि जद वह आपदे सहुरिआं दे ससुराल वालिआं दे घर वह जदों उदासी तो बाहरों आए, उस वेले जद उन्हां दा सहुरा साहब आए, उन्हां ने काफी ताने मेहने दिते कि भई असीं तां आपदी लड़की डोब ली है तेरे मगर ला के, तू कोई घर दी तवज्जो ही नहीं दिंदा गा, तू किड्डा माता पिता दा जिहड़ा नाम है उस नूं भी कलंक ला दिता है, तेरे कपड़े ही चंगे नहीं, बंदिआं वर्गे कपड़े ही नहीं गे। सो गुरु नानक चुप रहे, क्योंकि वह गए तां उन्हां दा उत्थे प्यारा अजिता रंधावा सीगा, लेकिन जिहड़े असीं प्रेमी हुंदे आ कई दफा वह रिश्तेदारां तों डरदे मारे, क्योंकि असीं उन्हां नूं जिहड़े उन्हां दे पास बहिंदे आ उन्हां नूं भी बुरा भला कह दिंदे आ कि भी इन्हां ने वगाड़िया इह। उन्हां ने कहा भाई जितते रंधावे ने भी मैनूं तां इह पहलां ही कहिंदे आ कि उन्हां दे नाल रल के विगड़िया होया है, मैं भाई मूले दे घरे ही लै जावां। उह उत्थे लगे, जदों खूब गुरु नानक दे सहुरा साहब ने मरम्मत कीती उन्हां दी, गुरु नानक चुप करके सुनी गए, फिर सस आई, जो गल्लां उन्हां ने गुस्से विच कहियां सीगियां उही सस लागी कहण, वे भाई नानका असीं तां लड़की डबोली है, की तेरे मगर लाई, तेरे कपड़े चंगे नहीं गए, तू घर दी तरफ तवज्जो नहीं दिंदे। गुरु नानक ने ना सहुरे नूं कुछ कहा ते ना सस नूं कहा। अखीर जद चुप होए वह जिता रंधावा कहण लग्या, प्रसाद काफी मिल गया है, हुण आपां चल भजन ते बैठीए। सो यह प्यारियो कहण लगे भी भगती नहीं छड़नी चाहीदी, इन्हां लोकां नूं भगती का सार नहीं हुंदा गा, ज्ञान नहीं हुंदा कि भगती की चीज है। जी बहु जमाई इनका डर तज, सुन प्यारे तू कर भगती, यार आसना सब डर छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भगती, नाते दार
कुटुंबी जितने इनका डर तज कर पगती। सानू पता है जितने भी नातेदार हुंदे है सब ही अपना जोर ला दिंदे है जब कोई असी भगती मार्ग दे विच निकलदे हैं। कहण लगे प्यारियो इन्हां दा डर ना रखो तुसी भगती करो जी। नातेदार कुटुंबी जितने इनका डर तज कर पगती। पगत अंग में जब तू बरते छोड़ चिजक इन कर पगती। जो मूर्ख है मर्म न जाने इनका डर क्या कर पगती। हुण आप प्यार न कहंदे है जे तेरे अंदर भगती दा अंग जाग पिया है तू भगती कर। ए मूर्खण जो परमात्मा ने मनुख दा जामा अमोलक दिता है सिर्फ अपने मिलाप वास्ते दिता है इन्हां नूं इहदी कदर नहीं की। अगर इन्हां नूं कदर होवे तां इह भी थोड़ा बहुता टाइम जिस परमात्मा ने अमोलक जामा दिता है अखां दित्तियां हन अमोलक पैर दिते है तन दिता है खाण नूं खुराक दिती है ਉਹਨੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੋ ਵਸਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਮਿਆਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਜੌਹਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਟੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਬੇ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਮੂਰਖ ਹੈ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੇ इनका डर क्या कर पगती। इनका डर कुछ मत कर मन में सुन प्यारे तू कर पगती। पेख पेख को देख ले गावे सो भी कच्चा कर पगती। आप प्यार न कहंदे है कि पेख पेख तो लग्या करदा है इन्हां दी भी जिहड़ा डर है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਭੇਖ ਪੇਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਵੇ ਸੰਤਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਤਾਨ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸੰਤ ਹੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਲਕਿ ਸੰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਤ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ।
इस वास्ते संत कहिंदे आ कि देखो प्यारे हो, जेड़े लोग ये कहिंदे आ कि संत वेदां दी जां शस्त्रां दी निंदिया करदे है, वह खुद जेड़े उन्हां दा कहना नहीं मनदे वह निंदिया करदे है। संत दा जो कुछ वेद शास्त्र कहिंदे आ वह खुद भी करदे है, अपने सेवकां नूं भी उपदेश करदे आ कि देखो भी प्यारे हो, आ तुसी देखो जितने भी संतां महात्मा ने ग्रंथ लिखे है उन्हां सब दे विच आह ही उपदेश है। क्योंकि संत महात्मा सानू कोई नवी जी गल आके नहीं दसदे, नवा कोई प्रचार नहीं करदे गे, वह जो कुछ भी सनातन तो सनातन जिदा अजल तो लेके आ तो लेके अंत तक संत महात्मा प्रचार करदे है, जो भी कमाई वाले महात्मा हुंदे है उसे दा ही प्रचार करदे है। सो इस वास्ते आ प्यार ना कहंदे आ जद असी नवे है इस संसार विच आए तो सानू ये लगता है जिवें कोई नवा जा उपदेश हुंदा है, नहीं, संत महात्मा दा जो भी मिशन है वो किसी वेद शास्त्र दे आसरे नहीं चलता। मता दिल दे विच ये ख्याल होवे नहीं, सिर्फ वेद शास्त्र दा अगवाही वास्ते वो पेश करदे है कि तुसी देख लो भी इन्हां दे विच वी जो साथों पहला साडे वड्डे वडेरे होए है वह भी आह ही कुछ लिख गए है। सो आप प्यार दे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे है वेद कतेब ना भेद दियो जो गुरु ने गुर मोहे बतायो। कहन लगे ओ भेद ओ ताकत ओ शक्ति मैनू किसी वेद कतेब चो नहीं मिलेगी, वह मेरे गुरुदेव ने मैनू दिती है। सो आपका जो इशारा है वह जीवित महापुरुष की तरफ है। सो गुरु नानक भी कहिंदे जीवित सहब सेवियो मन चलता हारियो नीत। तो आप कहन लगे इन्हां दी तुसी भेख वगैरा जिहड़े एक दूजे नूं देख के नफरत करदे है उन्हां दी की लज्या है, उन्हां दा की डर रखना है। तुसी हरिद्वार दे उत्ते जाके देखो, मैं तां कई दफा देखिया है जदों मैं उदासी साधु सीगा उस वेले अच्छी तरह देखिया होया है कि किस तरह उत्थे इन्हां अखाड़े वालियां दी आपस में लड़ाई हुंदी है। नागे कहिंदे आ साडी शाही पहला निकले, सन्यासी कहिंदे साडी निकले, उदासी कहिंदे साडी शाही पहला निकले। सो उत्थे जदों तुसी देख लो घरों तां निकले साधु बनन वास्ते, अगे लड़ाई झगड़ा, पहला कौन जाके इशनान करेगा पिछो कौन करेगा, पानी तां ओही है चाहे तुसी पहला जाके टूंबी ला लो चाहे मगरों जाके ला लो। जी पेख पेख को देख ल जावे सो भी कच्चा कर भगती, जब लग सब से निडर न होवे तब लग कच्चा कर भगती। हुण अपने अंदर ही फैसला है कि असी दुनिया नूं छोटी समझदे आ, परमात्मा नूं वड्डा समझदे आ, कि असी दुनिया दा डर चक दिता है, कि समाजां दा डर चक दिता है। सो असी कोई समाजां नाल लड़ना नहीं हुंदा गा, सिर्फ असी भगती नूं मुख रखना है। सो क्योंकि आम तौर ते आपां जिथे पैदा हुंदे आ उथे अपने समाजिक बंसावली गुरु पहलां तो आउंदे हुंदे है, क्योंकि सोडी बेदी पहला तो ही साडे घरां दे विच अग्राही वगैरा साल तो या छे महीनिया तो करन वास्ते आउंदे हुंदे है। और हुण तां इन्हां लोकां दा जोर घट गया, पहला बहुत ज्यादा हुंदा सी। महाराज सावण सिंह देवी एक इसे तरह दा गुरु आउंदा हुंदा सीगा, उह खुद अपने सत्संग दे विच दसदे हुंदे सीगे कि जिद्दे बाबा जैमल सिंह जी मिल गए पहला असीं उन्हूं 1 रुपया मत्था टेकदे सी, उदों उन्हां नूं 10 रुपए मत्था टेक दित्ते, लै भई हुण सानूं पूरा गुरु मिल गया है, हुण तेरा साडा कोई वास्ता नहीं गा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा सी काचे गुर को छोड़ो ये भी पाप कटा, ये भी एक वड्डा पाप है जिहड़ा वह कटिया जांदा है। क्योंकि जिन्ना चिर सानूं कोई पूरा महात्मा नहीं मिलेगा साडा जिहड़ा वक्त है लाया वह बेकार हुंदा है, वह किसी भी लेखे च नहीं हुंदा गा। सो इस वास्ते उन्होंने भी उन्होंने नमस्कार की। मेरी हिस्ट्री के मुतलक मैं थोनों दसदा हुंदा है कि मैं बहुत सारे महात्मा के चरणों में प्यार नाल इज्जत नाल पहुंचया, जिथों मैनू पूरा रस्ता ना मिलिया मैं वह किसी की निंदा नहीं की, उत्थे नमस्कार कर दिती। लेकिन जब बाबा बिशनदास के चरणों में पहुंचया तो उत्थों मैनू मेरा जिहड़ा रस्ता सीगा असली जिंदगी की नींव उस महात्मा ने ही डाली। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है
जेड़े महात्मा थोड़ा बहुता भी अंदर जाते हैं वो कदे झूठ नहीं बोलते गे, वो हमेशा सच बोलते हैं। फिर ऐसे महात्मा लोगों के पैसे टके से गुजारा नहीं करते गे, मैं सच कहना है वो अपना पेट खुद अपनी ही कमाई ना पालते हैं। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि बाबा बिशन दास ने सच किया, क्योंकि खुद डड्डू की तरह नहीं सी। खुद का डड्डू किस तरह है कि जिस तरह समुद्र दा हंस खुद डड्डू दे पास चलिया गया, वो पुछन लग्या कि तू कौन है, कहिंदा मैं तो एक गरीब समुद्र दा हंस है। वो कहिंदा समुद्र किड्डा कह, क्योंकि उन्हें कदे समुद्र दा तो नाम ही नहीं सी सुनिया। तो वो कह एक उन्हें नाल आपदा गरीबी का लफ्ज लाता, क्योंकि बड़े आदमी जेड़े हुंदे है वो ज्यादा डींगा नहीं मारते, वडियाइयां नहीं करते। साड़ी इत्थे राजस्थान की मूल निवासी जेड़े इत्थों दे जाट है उन्हां दी कहावत है, छोछा थोथा चना वजे कणा। जिस चने दे अंदर दाणा नहीं हुंदा, थोथा हुंदा है, छिलका हुंदा है, वो ऐनी खड़कदा रहिंदा है। इसे तरह जिहदे अंदर कोई कुछ ज्ञान नहीं हुंदा गा, वह बड़ा कुछ बन बन के बाहरों दिखाता है अंदर की है। सो उन्हें अपने आप नूं गरीब लाता कि मैं तो गरीब जानवर है समुद्र का। वह कहता समुद्र कितना क बड़ा हुंदा है, वह कहता बई समुद्र तो काफी बड़ा हुंदा है। वह थोड़ी जी दूर चक्कर कट के कह लगा एडा वड्डा, कहिंदा नहीं एदू वड्डा है। वह अद्ध दे विच फिर कुएं दे होया, कह लगा होर एडा वड्डा हुंदा है, वह कहिंदा नहीं बई एदू भी बड़ा हुंदा है। आखिर डड्डू ने टबूसी मार के दूसरे पासे जा वड़िया किनारे दे, कहिंदा होर एडा वड्डा हुंदा है, वह कहिंदा नहीं भी प्यारिया समुद्र तो काफी बड़ा हुंदा है। वह कहन लग्या एदू वड्डा हो ही नहीं सकता, तू बेईमान है। हुण बथेरा हंस ने कहा भी तू मेरे साथ चल, मैं तेनू दिखाउणा है। इसे तरह संत महात्मा कहिंदे आ कि तुसी सच्चाई नूं खुद देखो अखां दे नाल, वह परमात्मा थोड़े अंदर है, थोड़ी इंतजार करता है। सो इस वास्ते साडे खूह दे डड्डू वाली कहानी है। तो बाबा बिशन दास खूह दा डड्डू नहीं सीगा, उन्होंने मैनू कहा कि बेटा एदू उपर भी साधन है, एदू उपर भी रस्ता, सच्चाई उपर है जी। जब लग सब से निडर न होवे, तब लग कच्चा कर पगती। हुण साडी की हालत है, अज एक लड़की मिली, कहण लगी ऊं तां सानूं काफी चिर हो गया, असीं मटियां छड्ड दईए। मैं हस पिया, मैं आखिया वी तां तुहाडा ही फैसला है, जे थानू ओहदे विचों कुछ मिलदा है, तुहाडे नाल गल्लबात करदे है, जे तुहाडी फसल बीज जांदे है तां फिर तुसीं उहनां नूं मन्नो। मेरे पास भगत रहिंदा हुंदा सीगा, उहनां दे माता पिता काफ़ी मटियां बना के घरे रखियां होईयां सीगियां। एक दिन मैं उन्होंने घरे जा वड़िया, मैं आम यह गल सुना हुंदा है, मेरे बैठे बैठे दिल च गई भी चलो सबब नाल इन्हां दे घरे आए हैं तो इन्ना का काम कर जाइए। मैं वो भगत नूं कहा भी प्यारिया देख आ जितनिया भी हड़ इन्हां नूं औखा सौखा चक के ना बाहर सिटिया। उन्हें जिन्निया उन्होंने खाने जे बनाए से सारे ढा के बाहर सिटती, एक कोठे ते बनाई हुई सी। जद कोठे ते चढ़न लग्या मैनू कहन लगा जी ये तो साडा जिहड़ा भूतना है ना बाबा है, बहुत शक्तिशाली है। मैं आख फिर की हो गया, मैं बैठा तू आवाज दे, मैं बैठा तुहाडे घरे तू उन्हूं आवाज दे, धूप दिखा, उन्हूं सद्दता सी आपां गल्लां करांगे, कोई गल नहीं अगर वह तकड़ा होया तो मैं भी मनूंगा। खैर की उन्हें मिट्टी ने हुण की बोलना हुंदा, पत्थर ने या मिट्टी ने की बोलना हुंदा है, वह भी चक के बाहर सिटिया। जद मैं तुरन लग्या मैनू कहन लग्या कि तुहाडे हुंदे तां इह बोले नहीं ते तेरे गए पिछों सानूं तंग ना करन। मैं हसदा मैं कहा देख गड्डी मेरी, तेल मेरा, टाइम मेरा, तू याद करी मैं तेरे कोले खड़ा जी, यह तंग करन था। सो यह हालत साडी है, जदों असीं इह जिहियां चीज़ां तों डरदे हां असीं भगती की करांगे। हाँ भाई जब लग सब से निडर न होवे, तब लग कच्चा कर पगती।
जेलत इज्जत जो कुछ होवे मौज बिचारो कर पगती। जो कुछ भी होना वो असि पहला ही लिखा के आए हैं, जो घटना घटनी है, चंगी है माड़ी है, जे किसी ना प्यार दुश्मनी सब कुछ पहला तो तय होंदा है। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे दुख सुख गरीबी अमीरी बीमारी तंदुरुस्ती सब कुछ असि पहला लुखा के लियाए हैं, वो घटदा नहीं, चाहे उन्हों रो के भोग लो चाहे हस के भोग लो। हाँ ये जरूर है जे नाम की कमाई करांगे तो उहदे विच सानू छोट जरूर हो जाती है। एक आदमी ऐब करके कतल करके जेल विच चलिया जाता है, अगर उत्थे जाके होर बनवाशी नहीं करता भला मानस बन जाता तो उसनू रिहाई मिल जाती है। गौरमेंट का भी कानून है, जब एक दुनियावी गौरमेंट का एक कानून है तो परमात्मा क्यों नहीं रहम करेगा भाई साढ़े ते, वह भी रहम करता है। सो इस वास्ते आप कहन लगे तुसी इस का ख्याल ना करो, सानू पता है कि फ्रक्सियर दे टाइम सिखां दे आम सिरां दा मुल पैंदा सी, उस वेले दे जो सिख सन उस गुरु गोबिंद सिंह दे कहण मुताबक भगती करदे सी, उहनां दे नाम लेवा सन। सो इसे ओह जंगलां च फिरदे सन, बहुत सारा एक बड़ा सारा जथा 500 दा सिखां दा फड़िया गया, उहनां दे विच इक बालक सीगा। ओह जदों फड़ के दिल्ली ले गए तो कतल उन्होंने अगले दिन होना सीगा, उहदी जिहड़ी माता सी उसकी वजीर दे घरवाली तक पहुंच सी, उन्हां दे घर दे अंदर वह सेवा वगैरह करती सी, उसने उहदे कोले रो के कहा कि मेरा कल्ला ही लड़का है, जे तुसी उसनू छडा दिओ तो तुहाडे धन्नवादी होवांगे। उसने आए वजीर नाल बात करी, वह कहण लगे एक शर्त है कि एक कह दे मैं सिख नहीं गा, इहनू छड्ड देंगे। वो कहन लगी ये कहड़ी वड्डी गल है, वो कह देवेगा। वो कहिंदा हाँ फिर उहदे छड्ड देवांगे। वो हुण जिहड़ा लड़का सीगा वो सारा उहदी माता दसण वास्ते गई कि पुत तैनू कल नू छड्ड देणगे, वो पुछणगे तू सिख दा पुत है, तू कहदी नहीं। वो कहिंदा कोई नहीं जदों पुछणगे मैं दस दूंगा। जद उहनू पुछण लगे वो कहण लग्या मैं सिख, मेरा बाप सिख, साडा गुरु सिख, आओ जला दो पहला तुसी मैनू कतल करो ताकि मेरी मां का जिहड़ा दर्द आ वह जल्दी खत्म हो जाए। केस उहनू नाम का रंग चढ़ चुकिया सीगा। इसे तरह तुसी देख लो जिन्हों नाम का रंग चढ़िया, भाई मतीदास आरे नाल चरा लिया, उन्होंने खोपड़ियां लवा लिया, उन्होंने आपके गुरु नहीं छड़िया, उहदे नाम नू नहीं छड़िया। सो इस वास्ते आप कहन लगे तू निंदिया दी या मेरी कोई निंदिया करेगा या उसत करेगा, इधर ध्यान ना कर जी। जेलत इज्जत जो कुछ होवे मौज बिचारो कर पगती, गोरे का बल हिर दे तारे अपनी, सुन प्यारे तू कर पगती। कबीर साहब कहन के गुर को राखे सीस पर चले आ गया माहे, कहे कबीर तैं दास को तीन लोक डर नाहे, त्रिलोकी तक काल दी कोई ताकत उसनू उहदा वाल विंगा नहीं कर सकदी। जे गुरु साडे नाल सी लिया होया था, मैनू पता है कि जद मैं पहले टूर दे उत्ते विश्व दे विच गया उस वेले मेरे नाल छोटा जिहा ही लड़का सी, पता ही है थानू पप्पू सीगा, वह इतना पढ़िया लिखिया भी नहीं सीगा, तो मैनू कई प्रेमिया ने पढ़े लिखिया ने सलाह दित्ती कि यह छोटा बच्चा है, तुसी खुद इंग्लिश जवान नहीं जान दे गे, वो मुल्क बड़े ऐसे है और मैनू खुद नू भी पता है कि वह बड़े आजाद हुंदे है, अगर कोई बात पसंद ना आवे तो फौरन कहंदे बकवास बंद कर भाई। सो इस वास्ते ऐसे मुल्कां दे विच जाना तो मैं यही कहा भी मेरे वस दी खेड नहीं, ये तो गुरु जाने अंदरला महाराज कृपाल। तो हजूर दी दया नाल
ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੰਡਲ ਨੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੜ ਚੱਲ ਬਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਝੱਖੜ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਗੋਰੇ ਕਾ ਬਲ ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਜੇ ਬਿਗਾੜ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂ ਚੀਜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਜੀ। ਜੇ ਬਿਗਾੜ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂ ਚੀਜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਬਿਨਾ ਮੌਜ ਗੁਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਸੁਣ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਤੂੰ ਕਚਾਏ ਕਰੀ ਕਚਾਈ, ਔਰ ਕਹੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਘਰ ਕੇ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਛੋੜੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਕੇ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਛੋੜੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ। ਉਹ ਨਿਡਰ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਵਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਾਖਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਥੰਮ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਚਾਈਏ ਕਰੀ ਕਚਾਈ, ਔਰ ਕਹੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਭਗਤੀ, ਕਰਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਉਪਾਉ ਨਾ ਕਰ ਭਗਤੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਡਿੱਗਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਖਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਦੇ 17 ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਜੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਢੇਰੀ ਢੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕੀੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕੀੜਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਆਖਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਆਖਰ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੌਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਚੀਟੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੋਡੇ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਸੋ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਗਾ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕਪਟ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ ਆਖਰ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਪਟ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੌਖੇ ਨਹੀਂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜੀ ਕੱਚੀ ਸੇ ਪੱਕੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕਪਟ ਤੂੰ ਕਰ ਭਗਤੀ ਕਪਟ ਭਗਤ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਚੀ ਸਕੱਚੀ ਕਰ ਭਗਤੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਜੈਸੀ ਬਣੇ ਤੈਸੀ ਕਰ ਭਗਤੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਤਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਬਾਲ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦਾਦਾ ਨਾ ਪੋਤਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਈਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਬਈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਦਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਣ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆਖਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਖਰ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ